कुछ समय पहले मुझे पता चला कि मुझे टीबी है। जब आपको कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका नाम सुनते ही लोग घबराते हैं, आप सोचने लगते हैं कि आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी रहेगी या नहीं। इंडिया से ज्यादा टीबी के मरीज दुनिया के और किसी भी देश में नहीं है। पर जितने बढ़िया तरीके से मेरा इलाज हो रहा है, मुझे यकीन है कि ये हालात बस कुछ ही दिनों में बदल जाएंगे। जब डॉक्टरों ने बताया कि मुझे टीबी है, मुझे साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में सब कुछ समझाया। ये कैसे फैलती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका इलाज कितने दिन चलेगा। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस या FDC वो दवाइयाँ होती हैं जिनमें कुछ दवाइयों को मिलाकर एक टैबलेट बनाई जाती है। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दवाइयाँ मेरे नज़दीकी सेंटर पर उपलब्ध करा दी गई हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। मेरे लिए एक ट्रीटमेंट कार्ड बनाया गया और एक ID कार्ड इश्यू हुआ। शुरुआत तो काफी आसान थी, पर अगला कदम लेने से पहले मुझे थोड़ा सोच विचार करना पड़ा। मुझे अपने लिए एक ट्रीटमेंट सपोर्टर चूज करना था। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको दवाई देने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। अब मैं तो काम पे जाती हूँ। मुझे अपनी दवाइयाँ लेने का सबसे सुविधाजनक तरीका ढूंढना था। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं किसी को भी अपना इलाज सहयोगी बना सकती हूँ। दोस्त, घर वाले, पड़ोसी, किसी को भी। बस मैंने अपना सहयोगी चुना और जो मेरे घर के पास टीबी यूनिट है, वहां से ट्रीटमेंट सुपरवाइजर मेरे घर आ गए और उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट सपोर्टर को दवाइयां खिलाने का तरीका समझा दिया। उनके पास मेरी सारी दवाइयां आ गईं और वो रोज इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि मैं अपनी दवाइयां ले रही हूं या नहीं। मेरी टैबलेट्स वजन के हिसाब से मिलती हैं। अब जब एक बार में सिर्फ इतनी ही टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, तो अब रोज दवाई खाना भी मुश्किल नहीं लगता। और ट्रीटमेंट बीच में छोड़ने से जो टीबी बिगड़ जाती है, मैं उससे भी बची रही। कुछ समय बाद ही मुझे बेहतर लगने लगा, तो मैंने सोचा कि शायद मैं दवाइयां बंद कर सकती हूं। पर मुझे मेरे सुपरवाइजर ने समझाया कि ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ने से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज पूरा करना जरूरी है। समय समय पर हेल्थ वर्कर आकर मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहते हैं। यही नहीं, मेरे पास फोन पे मैसेजेस भी आते हैं ताकि मैं अपनी दवाई लेना ना भूलूं। मैं हर महीने हेल्थ सेंटर जाकर डॉक्टर साहब से भी मिलती रहती हूँ और बीच बीच में मेरे बलगम की जांच भी होती रहती है। जब सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, मुफ्त जांच, दवाइयां और चेकअप्स, तो मैं अपना इलाज पूरा करके कम से कम टीबी को फैलने से रोकने में अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही सकती हूँ। और बस अब मैं कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अगर आप टीबी के मरीज हैं, तो आप भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। बस आपकी एक ही जिम्मेदारी है, अपनी दवाई लीजिए हर रोज, हर बार, बिना चूके।